मणिपुर का। और मैं कहना चाहता हूँ मणिपुर की घटना हम सबको झंझोर के रख दिया है। हम कतई ही बनाना चाहते हैं हमारे आदिवासियों के साथ। 1,000 लोग नोच लिया उसको, दुष्कर्म किया। कहाँ है भाजपा के लोग, कहाँ है वो निकम्मे लोग, बोलने का कोई जरा भी माता बहनों से प्यार नहीं है इन लोगों को। क्या इन लोगों की जनता वोट करेगी, इन लोगों को बताइए। क्या बोलते हैं उड़े, क्या कह रहे हैं? मणिपुर मणिपुर बक्सा नहीं जाएगा, मणिपुर 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 सुनिए, फांसी लगा ली जो है खिलाड़ी में मिला तिरकी, मणिपुर मिला तिरकी फांसी लगा ली इसलिए कि उसके साथ इरशाद ने वो उसका वीडियो बनाकर और वायरल करने के लिए धमकी देता था। अब खिलाड़ी थाना का ड्राइवर है तो इस तरह से उसको कड़ी निकम्मे लोग हैं, ये जो निकम्मे लोग हैं, जरा भी दर्द नहीं है। आदिवासी बहन है, आदिवासी बहनों के साथ हुआ, ये लोग केवल झूठा साथ चोर मचाए शोर, और आज भी लोग खाते हैं इस बात को, चोर मचाए शोर करता हूँ ऐसे तो कर रहे हैं। के प्रधानमंत्री को कहूंगा जरा भी नैतिकता है, मणिपुर सरकार को बर्खास्त कीजिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए और हमें इंसाफ दिलाइए और आदिवासियों को इंसाफ दिलाइए। और बताइए आदिवासी के मुंह में पेशाब कौन किया? मैं पूछना चाहता हूँ आदिवासी के मुंह में पेशाब कौन किया? आदिवासी के मुंह में पेशाब मैंने नहीं किया, घर में आरोप किया है। क्यों नहीं बोलेंगे आप सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो यार आप लोग? अरे सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कौन क्या बेचा, कौन क्या चढ़ा दिया गया को, इसलिए मैं कहा घर की आग नहीं दिख रही है, ये लोग आग दिखाते हैं। समय इंडिया एक हो गया है, इंडिया एक हो गया है और देश को चुनना है। आप इंडिया को पसंद करते हैं या इन दंगाइयों को पसंद करते हैं, इन निकम्मे लोगों को पसंद करते हैं? और फिर से मैं कह रहा हूँ, देखिए इंडिया इज बैक, मजबूती के साथ आ गया है, इंडिया इज बैक, राहुल इज बैक। इनके इनसे पूछिए कि कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करते थे देवकांत बरुआ, वो क्या कहते थे? इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये कहते थे कांग्रेस के लोग कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये कहते थे कांग्रेस के दलाल लोग। क्या यही है इंडिया इज राहुल? इंडिया इज इंडिया, मोदी गॉन, इंडिया बैक, राहुल जी इज बैक। बहनों को इंसाफ हम दिलाएंगे, कांग्रेस पार्टी दिलाएगी बहनों को इंसाफ। मैं कहना चाहता हूँ और सुनिए, दो दो महिलाओं अगर जरा भी लोग अगर जरा भी नैतिकता है, जरा भी नैतिकता है इन लोगों में भाजपाइयों में, तो कम से कम उस महिलाओं के साथ खड़े होइए, उस आदिवासी महिलाओं के साथ खड़े होइए, नहीं तो उनके घर के लोग इनको माफ नहीं करेंगे, इनकी पत्नी माफ नहीं करेगी, इनकी बहन इनको माफ नहीं करेगी। और मणिपुर की घटना को लेकर और झारखंड में आक्रोश है, एक एक बहन बेटियों में आक्रोश है और इंडिया को पूरा आक्रोश है। देश में झारखंड एक ऐसा राज्य होगा, हम लोग मणिपुर जा रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।